नमस्कार, चिड़िया उड़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर पूरे देश में मातम है। जी हां, कल मुजफ्फरनगर में हुए रेल हादसे को लेकर जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि बात बुलेट ट्रेन की होती है लेकिन यहां पर पैसेंजर ट्रेन की सुरक्षा तक नहीं हो पाती है। इसके पीछे क्या आतंकी साजिश है, क्योंकि एटीएस की एक टीम रवाना की गई है उस तरफ भी तफ्तीश करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही, और अगर लापरवाही है तो फिर जिम्मेदार कौन है उसके लिए। हम लोग मौजूद हैं कनॉट प्लेस में, जानने की कोशिश करेंगे जनता से, क्योंकि हमारा सभी लोग ट्रेवल करते हैं ट्रेन में। हमारे साथ एक शख्स हैं। सर, मैं आप कितना ट्रेवल करते हैं ट्रेन में? 3-4 महीने में कभी कभी चले जाते हैं। आप खुद को सुरक्षित फील करते हैं जब आप ट्रेन में जाते हैं? तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो ड्राइवर और इनकी नेटवर्क ठीक नहीं है, जैसे मेट्रो में होना चाहिए। हाँ हाँ। जो कल हादसा हुआ है, हरिद्वार गाड़ी आ रही थी, बिल्कुल पुरी से हरिद्वार आ रही थी, कल जो हादसा हुआ है सिर्फ इनके नेटवर्क की कमी से हुआ। हाँ हाँ। है क्या क्या लगता है, कारण क्या है? कारण ये है, अगर वर्कर रिपेयर कर रहे थे लाइन की, अगर वो 4-5 किलोमीटर दूर पे लाल झंडा लगा देते हैं, या इनका नेटवर्क मेट्रो की तरह होता, ड्राइवर को अलर्ट मतलब कर देते कि पहले से कि आगे हमारा काम चल रहा है। मेट्रो के अगर एक कोई जानवर भी आ जाए तो मेट्रो का नेटवर्क रोक देता है सारी गाड़ियों को, ये भी गाड़ी रुक सकती है। अभी तक जो रेल नेटवर्क है उस तरीके से फुर्तीला नहीं हो पाया, तो लग रहा है कि बुलेट ट्रेन चल पाएगी देश में? ये कारण ही, बुलेट ट्रेन अगर ये नेटवर्क मेट्रो की तरह कर देंगे तो सक्सेस है। हाँ हाँ। मेट्रो की तरह। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सफर करते हैं ट्रेन में? जी बहुत कम। बहुत कम करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं, जब भी करने का मौका मिला, क्या आप खुद को सेफ फील करते हैं? बहुत कम सर, ऐसा है ना, बहुत मुश्किल होता है। किस तरह की मुश्किल आती है आपको? मुश्किल क्या, यही दिक्कत ही आती है, बहुत जगह रुकती है ट्रेन, बहुत कम चल पाते। चलिए अब कारण जानने की कोशिश करते हैं, हम ये भी आम जनता से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि अलग अलग वजह सामने आ रही है, हालांकि जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आप में से किसी से बात करूं, सर आपसे बात करूं, बताइए क्या कारण देखते हैं, क्या वजह इस तरह के रेल हादसे इतने ज्यादा होते हैं? लापरवाही। लापरवाही किसकी लापरवाही दिखती है? एडमिनिस्ट्रेशन की। कल वाला रेल हादसे के बारे में जानकारी आपको, वहाँ पर कहाँ कमी नजर आई आपको? अब वहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव की कमी थी। ये कहा गया कि पटरी की मरम्मत हो रही थी, जो स्थानीय लोग, उन्होंने बताया कि 50 दिन से मरम्मत चली रही थी। ये भी कहा गया कि वहाँ एक साइन बोर्ड लगाया जाए, लेकिन साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, तो किसकी गलती है? हालांकि कोई मानने को तैयार ही नहीं, रेल कर्मचारियों की गलती है। और ऐसे में जब हम कहते हैं, ये ऐलान होता है रेल मंत्री की तरफ से कि बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी, तो आपको लगता है कि देश में चलेगी बुलेट ट्रेन? नहीं चलेगी, ऐसे में तो नहीं चलेगी। आप बताइए, पॉसिबल ही नहीं है बुलेट ट्रेन। कारण क्या देखते हैं, क्यों अभी तक रेल नेटवर्क इतना अच्छा नहीं हो पाया देश का, क्यों इतने सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं? मुझे लगता है बुलेट ट्रेन से बेटर है कि जो चल रही है उसमें ही सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर इसमें ही सुधार कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। यानी पहले अपने जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त करने की लापरवाही कहाँ नजर आती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, ट्रेन में चोरियां होती हैं, या पर अटेंडेंस कई बार चोरी कर लेते हैं, अटेंडेंस जो होते हैं वो सामान चोरी कर लेते हैं। ये ज्यादातर जो है ना, जो रेल कर्मचारी है उनकी ज्यादातर लापरवाही है, और कुछ नहीं है। और जो हमारी सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो केयरलेस है, उसका ये नतीजा है जो उसमें फुर्ती लाने की। आइए आप आगे आइए ना, आगे आइए, बताइए कितना सफर करते हैं पहले बताइए ट्रेन में? दो या तीन मंथ के अंदर कर लेते हैं। एक महीने में 2-3 बार जाते हैं ट्रेन में? 2-3 मंथ। 2-3 महीने में एक आध बार जाते हैं। सेफ फील करते हैं? आइए आगे, सेफ फील करते हैं खुद को जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं? देखिए पहले से तो बेटर है, बट अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की काफी। पहले से क्या बदलाव आया जो आपको चीज बेटर लगी? मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ी सी साफ सफाई पहले से काफी बेटर हुई, अच्छी चीजें भी हुई। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ सफर भी नहीं सुरक्षित होता है आपका? बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता। कल के हादसे के बाद क्या हो, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी आए हैं पटरियों पर, कभी प्रेशर कुकर में जाते हैं, कभी पटरियां ठीक से मेंटेन नहीं होती हैं, मरम्मत चल रही होती है, मरम्मत का काम आधे बीच में ही छोड़ दिया जाता है और ऊपर से फिर ट्रेन जा रही होती है। जब तक मीडिया इसको हाईलाइट में रखेगी, 1-2 महीने तक इसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद 1-2 महीने बीत जाने के बाद फिर कोई इसकी चर्चा नहीं करेगी। वो उनकी जो इंक्वायरी जो बैठी
की है वो उस इंक्वायरी के बारे कोई रिव्यूज नहीं करेगा, इनके ऊपर रिव्यूज कमेटी कैसे दुरुस्त होगा सिस्टम पे? पूरी एक रिव्यू मतलब वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की अंडर है, बट फिर भी मेरे हिसाब से एक रिव्यू कमेटी होनी चाहिए जो इस तरह के इंसिडेंट जो भी हुए उनको प्रॉपर रिव्यू किया जाए, उनका रूट कॉज निकाला जाए कि किस तरह से हुआ और फ्यूचर में ना हो उसके लिए इसके लिए क्या कदम उठाए। ठीक है, आपसे बात कर सकती हूँ? आइए सर, आगे आइए ना, इधर आइए। पहले बताइए कितना सफर करते हैं ट्रेन से? मेरे को महीने में एक दो बार कर लेता हूं। क्या एक्सपीरियंस है आपका? ठीक, मतलब ओवरऑल तो देखा जाए तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी बेटर हुआ है। लेकिन जो चीज़ में जो आप पूछ रहे हैं कि लापरवाही कहाँ पे हुई है, किसकी लापरवाही, जो मेरे को लगता है अभी पिछले दो तीन सालों में मोदी जी के आने के बाद में अभी हम ज़्यादातर फेसबुक और ट्विटर पे ही काम कर रहे हैं। मतलब हाँ। मोस्टली जो काम हमारे हो रहे हैं गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं वो ट्विटर फेसबुक और एप्स में मतलब मोबाइल में हो रहे हैं, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहे हैं। तो उस रेल हादसे के पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप, जो कल रेल हादसा हुआ? सभी की लापरवाही, डिपार्टमेंटल लापरवाही है, रेलवेज की है या गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं या सिस्टम में जो ब्यूरो जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो लोग काम को ध्यान नहीं देते। पर कोई जिम्मेदारी अपनी मानता भी तो नहीं है? बिल्कुल, वो जिम्मेदारी की अकाउंटेबिलिटी रेल मंत्री ने कहा कि शाम 6 बजे तक का वक्त है और किसी ना किसी की जिसकी भी जिम्मेदारी वो तय हो जानी चाहिए। आपको लग रहा है कोई जिम्मेदारी मानेगा? इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए, कमेटियां बनी लेकिन उनकी रिपोर्ट्स तक सबमिट नहीं होती, कोई नहीं आती। एक एक जो होता है ना कि आई वॉश कि मीडिया में एक बार दिखा दिया कि हाँ हम सब ये एक्शन ले लिया हमने, इमीडिएट हमने इतना उसको कंपनसेशन दे दिया है या इतना हमने दिखा दिया कि ये कमेटी बना दी, उसके बाद क्या मीडिया भूल जाए, पब्लिक भूल जाएगी, गवर्नमेंट जैसे चल रही है वैसे फिर हादसा हो जाएगा। आपको लग रहा है देश में बुलेट ट्रेन चल पाएगी इस तरीके से? फेसबुक पे ट्विटर पे चल जाएगी। बताइए कितना सफर करते हैं रेल में? तकरीबन चलते ही रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है, हादसे होते जा रहे हैं, लोग बागों को परेशानी होती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ फेसबुक ट्विटर, हमारे प्रधानमंत्री जी इधर उधर सब कुछ, जैसे अभी छोटा सा गोरखपुर में अभी हुआ। हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? डिपार्टमेंट, हर कोई जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता इसकी, कोई मंत्री जी कुछ नहीं, कोई मंत्री जी नहीं ले रहा। रेल मंत्री जी कहाँ कह रहे हैं कि जी ये हादसे हुआ ये हुआ, होते चले जा रहे हैं सब चीज़ें, किताबें बंद होती चले जा रही हैं, दो तीन दिन के अंदर फिर आएंगे फिर बोलेंगे मीडिया पर सब कुछ। सबके पास रटी रटाई लाइनें कि हमने ये कमेटी बना दी है, इसकी जांच होगी, हम जांच सब कुछ फेसबुक ट्विटर इसी पे सब कुछ चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है। देखिए इसके अंदर ना जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और इस तरीके से जो बातें करी इन्होंने कि हम जांच कमेटी बैठा रहे हैं, इससे सिर्फ पब्लिक जैसे आज भी हम लोग एग्रेसिव हो रहे हैं और ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारा ध्यान भटकाने के लिए बातें की जा रही है। किसी को मुआवजा दिया जा रहा है तो क्या मुआवजे से उसके आदमी की क्या वापस आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कौन क्या कमाने वाला है, आप अपनी एक पैसा आपने तय कर दिया और उस पैसे को दे दोगे, पैसा आज की डेट में नहीं, आदमी की जिंदगी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो हम टैक्स भरते हैं हमारी जिंदगी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सरकार को इन बातों को ना करके आदमी की जीवन को कैसे सुरक्षित करा जाए, क्योंकि रेल यात्रा को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हम लोग उसका पूरा पैसा दे रहे हैं, ये लोग पैसा फेयर बढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़ा रहे हैं, पर हमारी जीवन की गारंटी कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। जीवन की गारंटी नहीं। हाँ। प्रभु जी जो मैं एक मिनट आती हूँ आपके पास इधर से। हाँ, आप कौन अपनी राय देना चाह रहा था इधर से? चलिए, आवाजें आ रही थी लेकिन कोई बोला नहीं। सुरेश प्रभु जी जैसे अभी ट्विटर पे मैं उनको फॉलो करता हूं। आप बोलना चाहेंगे कुछ? अभी ताइवान में बिजली जाती है, मिनिस्टर इमीडिएट उसको जिम्मेवारी लेता है और अपनी इस्तीफा देता है। यहाँ कब तक सिर्फ जांच कमेटियां बैठाई जाएंगी और जिम्मेवारी किसी की नहीं तय की जाएगी, क्योंकि सबसे ऊपर मिनिस्टर है तो उसे अपनी जिम्मेवारी। वैसे कहा ये भी गया, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ये बात भी कही, इस बात का जिक्र भी किया है कि आज शाम तक जिम्मेदारी तय हो जाएगी। अब 5:30 का वक्त है, 6 बजे का वक्त उन्होंने दिया है कि जिम्मेदारी तय होगी, उस पर होगी नहीं होगी वो देखेंगे। आप बताइए कितना सफर करते रेल में? मैम अक्सर रेल में सफर करता हूँ और अब जो रेल में काफी सुधार देखने को मिला है, बहुत अच्छे सुधार रेल में हुए हैं और जो सुरेश प्रभु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंसिडेंट हुआ है और इन्होंने इस इंसिडेंट पे उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, एक्शन लिया है जैसे। लेकिन नहीं, वो आपकी बात सही है, उन्होंने एक्शन लिया, अच्छा बोला, एक्स ग्रेशिया उन्होंने ऐलान कर दिया, मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन ये साहब ये कह रहे थे कि इस तरह के हादसे तो होने ही नहीं चाहिए। देखिए मैडम, इस तरह के हादसे हम सफर करते हैं, गाड़ी से अपनी गाड़ी से सफर करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं,
कितने एक्सीडेंट गाड़ियों में होते हैं आपकी, हमारी अपनी लापरवाही उसमें होती अपनी लापरवाही होती है। अगर रेल इतनी बड़ा हमारा उसमें हम लेते हैं ना कि हम तेज चला रहे थे या हमने गलती से टेक ओवर किया। आप जरा ये देखिए, हम लापरवाही से होते हैं इसमें भी किसी, देखिए हम सरकार को एकदम से दोष मंड देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसका दोष आपको क्या लगता है? ये देखिए किसी न किसी, ये इसमें ड्राइवर की लापरवाही है या वहाँ पे मैकेनिक लगे हुए थे उनकी, कर्मचारी लगे उनकी लापरवाही है, किसी न किसी की लापरवाही है। मगर इसमें हमने सुरेश प्रभु को दोषी ठहरा देना, प्रधानमंत्री को दोषी, वो देखिए सुधार काफी चल रहा है देश में, क्योंकि वो रेल मंत्री हैं और पूरे प्रशासन को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। प्रशासन को वो दुरुस्त कर रहे हैं, इसमें कोई भी दोराही नहीं है। और पहले के जो पहले जैसे आपको लग रहा है कि रेल बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं बता दूं तो 4 साल से अभी रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है, तो एम्प्लॉयर कम होंगे, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि एम्प्लॉयर कम होंगे तो इंसिडेंट एक्सीडेंट बढ़ेगा। और वैसे ये युवा हैं, इनकी अपनी परेशानी है, आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं? नहीं, मेरी परेशानी नहीं, अच्छा है, हर एक युवा की परेशानी है। हम जनता के बीच आए हैं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हर एक की परेशानी है। और वहाँ पे क्या रेल हादसे के लिए मैं बोलूंगा कि वहाँ पे काम चल रहा था और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, और वहाँ पे रेलवे रेल ट्रैक पे जैसा कि देखा मैंने पटरी कटी हुई थी और वहाँ पे रेलवे हादसा हुआ है। इसमें जिम्मेदारी बिल्कुल रेलवे डिपार्टमेंट की है, रेलवे डिपार्टमेंट की, यही बात सिस्टम की, यहाँ पे सिस्टम की गड़बड़ी है। जी जी हाँ जी, वही कि अगर जैसे उन्होंने कहा कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो नीचे लोग हैं, जो रेल कर्मचारी हैं, अगर वो सही से अपना काम नहीं कर रहे तो उनको मॉनिटरिंग करना उनका काम है। उनका काम ये नहीं कि उनको पटरी ठीक करनी है, उनको रेल टाइम पे चलानी है या सब कुछ। आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है? आपको लग रहा है देश में बुलेट ट्रेन चल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल चल पाएगी मैम, बिल्कुल चल पाएगी, बिल्कुल नहीं। अभी इधर आइए, अभी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए अभी बहुत सारे इनको आगे बढ़ने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुए थे उसके लिए सबसे पहले रेल स्टेशन मास्टर और जो सिग्नल मैन होते हैं उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है इसमें। और इतने दिनों से सबसे बड़ी बात यह है कि तत्काल टिकट हम लोगों को इजी नहीं होता है मिल पाना, जो अगर किसी को अगर सडनली जाना होता कहीं बाहर तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन रेल में सुरक्षा कैसे हो? इधर कोई बोल रहा था, आई थिंक वो चले गए हैं। हाँ बताइए, अपने इंडिया सरकार के पास दरअसल बात क्या होता क्या है, इनके पास सुविधा है, व्यवस्था नहीं है। जब ये रेलवे का इंडियन, आपका अपना इंडियन रेलवे, इसको एक तरह से सही ढंग से नहीं चला पा रहा है, कभी कभी घाटे दिखाया जाता है, जबकि इसमें अच्छा खासा बजट आना चाहिए, तो बुलेट ट्रेन कैसे चलाएगा अपने इंडिया में, यह संभव ही समझिए। और रही बात हादसे का, तो इससे पहले कानपुर में हुआ था 3-4 हादसा, लेकिन यही बात कहा गया था कि कर्मचारी की गलती होगा, रेलवे की गलती होगा या ड्राइवर की गलती होगा, रेल मंत्री पे दबाव बनाओ, लेकिन पकड़ाया कौन? आतंकवादी गिरोह का नाम आया ना बीच में, तो कोई भी जब कोई बड़ा हादसा होगा तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ। अभी कल वाले रेल हादसे में आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? इसमें भी कोई ना कोई शक हो सकता है। कौन, क्या ये आतंकी साजिश है या रेल प्रशासन की लापरवाही? अगर इस तरह से देखा जाए तो इससे पहले जो 3 हादसा हुआ था, मेरी बात सुनिए, जब तक पटरियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, मोदी जी 2024 तक बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं और जो ट्रेन चल रही है उनकी पटरियां दुरुस्त नहीं करा पा रहे हैं और बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। जी आप बताइए, कुछ कह रहे थे? मेरा कहना ये है कि जब से हम लोगों ने वॉच किया है कि जब से इनकी सरकार बनी है सन 2014 से, तब से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कई रेल हादसे हो गए, चाहे वो कानपुर वाला रेल हादसा हो या भी कल मुजफ्फरनगर वाला रेल हादसा हो, वो सिर्फ एक ही कारण है उसका होने का, रेल प्रशासन की लापरवाही। हाँ। पहले भी हादसे हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, इनको इस्तीफा देना चाहिए सुरेश प्रभु को, तो दूसरे व्यक्ति इसको काम को देखें। लालू जी ने कल इस्तीफा मांगा है उनसे कि इस्तीफा देना चाहिए। लालू जी का समय देखिए आप, रेलवे का, रेलवे को कहां से राहुल जी, लालू जी ने रेल को कहां से कहां पहुंचा दिया। यानी कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल जो हमने पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वाकई जिम्मेदारी लेनी होगी। खुद सुरेश प्रभु रेल मंत्री ने कहा है कि 6 बजे तक किसी न किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहरहाल जनता की यही राय है कि अगर पटरियां दुरुस्त नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, तो फिर यहां पर बुलेट ट्रेन चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ।